ताजिर मैं ताजिर के लिए काफी हुजूम है, बताओ। जो अमानत हमारे पास है वो हर चीज से ज्यादा कीमती है। हम नाइमान के गजब का शिकार नहीं होना चाहते। अगर ये जाली हुई तो तुम्हें मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम डरते हो? मुझे डर लगता है, डर लगता है, लेकिन मैं वजह भी पूछता हूं। अगर वो मुझे मारना चाहता था, नाइमान ने मुझे इस तरह जाने की इजाजत क्यों दी? वो उसी वक्त मुझे मार सकता था। दुरुस्त कह रहे हो तुम। नाइमान हमेशा एहतियात करता है। यह खत ताजिर की जाहिरी शक्ल को बयान करता है। नाइमान ने मुझसे कहा कि एक सोने की ईंट काफी है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? काफी नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हारे पास कोई चीज है हमारी? मोहर कहाँ है? मैं फिर नहीं पूछूंगा, चंगेज खान की मोहर कहाँ है? मैं मर जाऊं तो भी नहीं बताऊंगा। दरवाजा खोलो। आखिरकार मोहर हासिल कर ही लूंगा, तुम्हारी मदद से या तुम्हारे बगैर। रुक जाओ। बताओ मंगोल, तुम इसकी तरफ हो या नहीं? कौन हो तुम? मैं खजन खान का आदमी हूं। कौन हो तुम? सरहदों का हाकिम, उस्मान साहब का कमांडर, दुर्गुत साहब हूं मैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने खजन खान को खत भेजा और उन्होंने हमें उस्मान साहब और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया कि तालाई और नाइमान बगावत करेंगे। मैं उसे खुद देखने के लिए आया हूं। मुझे लगता है भेजा हुआ खत सच था। बाला खातून ने अपना फर्ज पूरा किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो अब फर्ज हमारा है। जो हमें चाहिए वो चंगेज खान की मोहर है। ये मंगोल है, जो कुछ इसने छुपाया उसे ढूंढने में देर नहीं लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। क्या आप खिजर अलैहि सलाम को जानते हैं कमांडर बुगातर? हाँ, मैं जानता हूं उन्हें, लेकिन आप मुझे उनसे जोड़ नहीं सकते दुर्गुत साहब। लोग मुझसे करामत की तवक्को कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपको चंगेज खान की मोहर कैसे मिली, लेकिन आप कुछ नहीं बताते। हम कैसे जानेंगे कि आप करामत से भरे हुए नहीं हैं? ना ही मैं कोई अजीम शख्स हूं, ना ही मेरे पास कोई करामत है।
मैं सिर्फ एक मंगोल हूं जिसे इस्लाम से नवाजा गया है और यही इसका राज है। माशाल्लाह। इसकी अच्छी तरह हिफाजत की जा रही है। वैसे भी हमें आपको मजीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यह जानना काफी है कि आप महफूज हैं। मेरे रब का शुक्र है कि मुझे जो फर्ज मिला था उसके साथ ऐसे बादलों के साथ सहर भी नसीब हुई। सलामत रहे, आपके साथ खाना खाना हमारे लिए शर्फ की बात है। सिपाहियों, चलें सहरी खत्म करें, हम सब फजर की नमाज पढ़कर निकलेंगे। पहले हम बाइंदर को उठाएंगे, फिर इंशाल्लाह हमारी मंजिल यानी शहर होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त सलजू की सरहदों के बाहर है। उम्मीद है कि चंगेज खान की वो मोहर उसने हासिल कर ली होगी। उन्होंने एक मुश्किल रास्ता तय किया है। यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम अगर वो मोहर एक ऐसी मोहर है जो तमाम मंगोल सरदारों को एक साथ जमा कर सकती है। अगर नायमान और तालाई ने उस पर हाथ डाला तो उस सूरत वो मुसलमानों को इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश भी करेंगे। जनाब, जब हमारे पास मोहर होगी तो ये नायमान कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए क्या ताकत लाएगी? अगर वो हमारे बजाय उनके पास चली गई। ऐसा मत कहें जनाब, हम नहीं होने देंगे ऐसा। बाला खातून सुल्तान अलाउद्दीन के पास गई और उनसे खजन खान के लिए खत लिखवाया। उस खत के साथ एक मंगोल कमांडर भी तुरगुत साहब के साथ यहाँ आएगा। उसके पास मोहर होगी और वो कमांडर नायमान को रोकेगा। हमने कुनिया में उन्हें मारा था, इंशाल्लाह वो यहाँ खैरियत से आ जाएंगे जनाब। हाँ इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। दुरान, मैदान की सूरत हाल क्या है? जनाब कोई चाल नहीं है, मैदान खाली है। इसमें दोनों का ही यकसम फायदा है। उनकी करारगाह मिल गई तुम्हें? हमें सारे मकामात का पता है जनाब। तो फिर तुलुए आफ्ताब के वक्त सिपाही वहां रवाना कर दीजिए। जैसे ही वो हरकत करेंगे सिपाही हमलावर हो जाएंगे। और हाँ, सहरी में हर कोई पेट भर कर खाए, कल क्योंकि सरजमीन पर अब तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी। सरदार, और हम? मेरे बेटो, आपका फर्ज मुख्तलिफ है। सरदार आ रहे हैं, चलो जल्दी करो सिपाहियों। भाइयों, देखना हमारे हथियार आज मंगोलों के खून में रंगे होंगे। देखना आज नायमान का आखिरी दिन है। भाइयों, तुम्हारी तलवारें तेज, तुम्हारे नेजे कवी और दिल मजबूत होने चाहिए।
सिपाहियों, कबूल कर ली मैंने नायमान की पेशकश और हम जंग करेंगे। तुम लोग जानते हो कि वो मैदान जंग का मैदान है। हम नहीं जानते कि नायमान ने अपने लश्कर को क्या हुक्म दिया। तुम लोग लेकिन अपने फराइज से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। हम लोग नायमान और उसके लश्कर को इसी से जमीन में दफन कर देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जनाब, अल्लाह की मदद से जनाब। अब सुनिए जरा गौर से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा हमला मजबूत होगा, लेकिन अगर सूरत हाल हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी होती और मुकद्दर में अगर मेरी शहादत का फैसला होता है तो हरगिज़ घबराना मत और अपने फर्ज से कभी पीछे मत हटना। तुम लोग उनकी करारगाह को, उनके मरकज को तबाह करके रख दोगे और हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करोगे। मैं अगर शहीद भी हो गया तो वो नायमान इस जमीन से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। और आखिरी अल्फाज जब वो सुनेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तीरंदाज सिपाही नायमान और इसके सिपाहियों के पीछे खड़े हैं। करान जो करारगाह पे फौज का सरबरा है, उस्मान के मरने के बाद वो इन जमीनों को खून से सैराब करेगा। तुम तैयार हो उस्मान? तैयार हूं मैं। एक अरसे से मैं इस वक्त का मुंतजर था। क्या तुमने अपने सरदारान को हुक्म दिया? जब तुम मरोगे तो वो मेरे सामने घुटने टेकेंगे। जैसा सोच रहे हो अगर वैसा हो गया तो वो सब यही करेंगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा सर उतार दिया तो क्या ये तुम्हारे लोग इन सरजमीनों को छोड़कर चले जाएंगे यहां से? तुम्हारे लिए मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है। ऐसा हुआ तो वो चले जाएंगे, चले जाएंगे, हाँ, चले जाएंगे। जिन्हें तुम बहुत माहिर समझते हो तुम्हारे वो लोग शायद मेरे सिपाहियों के सामने एक लम्हा भी टिक नहीं पाएंगे। सोच लो, मेरे पीछे जो नौकर है वो सालों से जंग के मैदानों में है। मेरे नौकर मैदानों में पैदा हुए हैं,
शहरों में जले हैं, वो झीलों में नहाएंगे और जंगों में मरेंगे। वो मजबूत हैं, तुम इनकी तरह मजबूत नहीं। वो नौकर जिन्हें तुम मजबूत कह रहे हो ना, कई दफा हमसे शिकस्त खा चुके हैं। कोई फिक्र नहीं हमें, मेरे सिपाहियों से ये हमेशा शिकस्त खाएंगे। तो फिर तुम्हारे सिपाही और मेरे नौकर पहले लड़ेंगे। हमारे सामने मैदान को आग लगनी चाहिए। अपने 3 सिपाही भेजो। ए रुको, तो तुम मौत से खौफजदा हो रहे हो क्या? खुद क्यों नहीं लड़ना चाहते हो पहले? मैं अपने नौकरों को तुम्हारे सिपाहियों को तबाह करते देखना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया। वालिदा सुल्तान, मुझे माफ कर दे, मगर सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब के साथ हलीफ होने पर रजामंदी जाहिर की। हम जंग के मैदान में क्यों नहीं है? यही मसला है जलाली। मैंने सोचा था कि उस्मान ने खुलूस दिल से हमारी मदद और हिफाजत की है, लेकिन वो हमेशा अपने खुफिया इकदाम की मंसूबाबंदी करता है। हमेशा ही उसका कोई खुफिया मकसद होता है। पहले उन्होंने सुल्तान का सहारा लिया, फिर गजन खान को खत लिखा। लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं होंगी जलाली, इस्तेमाल तो मैं करूंगी। आज के बाद इन सरजमीनों में सबसे कीमती शख्स भी मेरे लिए एक आले के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जनाब, मैं इनकी चालों को जानता हूं, बस आप मुझे इनसे एक दफा लड़ने की इजाजत दे दें। जनाब, मुझे लड़ने की इजाजत दें। जनाब, इनसे लड़ने की इजाजत दीजिए। जनाब, मुझे इजाजत दे, मैं इनको शेर की तरह कुचल दूं। जनाब, आप मुझे हमला करने की इजाजत दें। जनाब, मुझे इजाजत दें, इन सब काफिरों का खून चूस लूंगा। ओनर ओरहान, उस्मान साहब, आप हमेशा एक सिपाही का इंतखाब करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि सरदार आखिर कैसे लड़ते हैं। मैं इन काफिरों की लाशें लेके आता हूं आपके पास। मैराम साहब, ठीक है, आप भी आ जाइए। अल्लाह के हवाले। ठीक है। कोजीबे, कारानोयान, तोगाए। सिपाहियों, तुम्हारी तलवारें इनकी हड्डियां तोड़ दें। एरलिक खान का गजब बरसाओ इन पे। Honor!
अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। जीते रहो मेरे बहादुर, माशाल्लाह। रहान, जाओ मेरे बहादुर, जीते रहो, माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह। बैराम साहब, तुम सबका खात्मा करूंगा। बैराम भाई, बैराम भाई, मैंने अपनी बहादुरी दिखाई सिपाहियों। आपने बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत बहादुरी। आपके ख्याल में किसकी जीत हमें ज्यादा फायदा देगी वालिदा सुल्तान? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बच जाएगा वो मैदाने जंग में कमजोर हो जाएगा और जो जीतेगा मेरा कैदी बन जाएगा। मैं हूं इन जमीनों की वाहिद हाकिम।
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انا لله وانا اليه راجعون. آجو آجو قریب آجو. انجام کا آغاز ہاں عثمان، تمہارے انجام کا آغاز، تمہارے انجام کا آغاز. آخری آواز جو تم سنو گی وہ میرے نوکروں کی ناروں کی آواز ہوگی جو تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے.
रुक जाओ नायमान, तुम और तुम्हारे सिपाही दोनों रुक जाओ। मुझे कौन रोकेगा? चंगेज खान की मोहर। सिपाहियों, हमला हमला करो, हमला करो, हमला। कमांडर नैमान तुम्हें हुक्म देता है, मोहर का असल मालिक मैं हूं। तुमने ये सब तुमने किया उस्मान, तुमने सारा वक्त तुमने जाया किया। असल वक्त तो नायमान तुमने जाया किया है, मैं तो यहां तुम्हारे सामने था। सिपाहियों को तुमने लड़वाना चाहा, क्यों? मंसूबा नाकाम हो गया तुम्हारा और इसीलिए पागल दीवानों की तरह तड़प रहे हो। मैं कोक टैंगरी की कसम खाता हूं कि तुम्हें कत्ल कर दूंगा उस्मान, तुम्हें जान से मार दूंगा। अब अपनी तलवार को फेंक दो, हथियार डाल दो नायमान। कभी नहीं। पकड़ो इसे। इसे भी पकड़ो। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं आज नहीं मारूंगा उस्मान, मैं तुम्हें मारने वापस आऊंगा। नहीं, ये इख्तिताम है तुम्हारा, तुम मुझे कभी मार नहीं सकते, ना ही तुम किसी रियासत पर हुकूमत कर सकते हो। चलो चलो उस बात ले जाओ। अच्छा तो उस्मान साहब आप हैं और तुम कमांडर हो गजन खान के? बगदू, कमांडर बगदू। अच्छा, खुश आमदीद कमांडर। शुक्रिया उस्मान साहब, सुल्तान अलाउद्दीन को आपका भेजा हुआ खत हमें मिला। जब हम वहां पहुंचे तो तुर्गुत साहब ने उसको पहले ही मार डाला था, तो हम यहां तुर्गुत साहब के साथ यहां आए, हमने उस गद्दार को पकड़ लिया है। कमांडर, वो गद्दार कभी आजाद नहीं होना चाहिए। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, मैं यहां इस गद्दार को आजाद करने नहीं आया हूं, अब इसके पास ताकत नहीं है। हाँ शुक्रिया, लेकिन मेरी तसल्ली और इत्मीनान के लिए मेरे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है उस्मान साहब? अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सिपाहियों सब वापस चलो, सिपाही हमारे साथ आएंगे। अल्लाह हामी नासिर हो। शुक्रिया। सिपाहियों आप कमांडर के साथ जाएंगे, जाइए।
सिपाहियों जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम जो ही लड़ते रहेंगे, जंग की तो भी शुरुआत हुई है। जैसा आप कहो जनाब। हम तुर्गुत की तरफ जाएंगे, आ जाओ। नौमान को वो कहां ले जा रहे हैं वालिदा सुल्तान? उस्मान कोई चाल चल रहा है जलाली, मालूम करना होगा कि वो क्या कर रहा है। काराबल की कोई खबर आई है? वो जानता है कि हम यहां आएंगे। अच्छा है, काराबल नायमान के पीछे जाओगे, तुम उसका साया बनकर रहोगे। वो जो करता है, जहां जाता है, तुम सब कुछ मालूम करोगे। जैसे आपका हुक्म वालदा सुल्तान हजरत। उस्मान आज मैदान जंग से फाते बनकर निकल गया, उसे अब सरहदों पर मजीद ताकत हासिल होगी और वो सरदारान को भी अपनी तरफ जमा करेगा, लेकिन मैं रोकूंगी उसे। जा सकते हो। जनाब, शफा के लिए कीकर का पौधा लाया हूं, ये आपकी आंख को फायदा पहुंचाएगा। या शाफी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कुमार लद्दाल, शुक्रिया। तुर्कुत साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं, फिक्र मत करो मेरी। शुक्रिया तुर्गुत, तुमने अपना फर्ज खूब निभाया। जहां हमारी ताकत कमजोर पड़ गई, वहां अक्ल से काम लिया। अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद से। क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो तुम मेरी। कुमराल अब्दाल, आपका शुक्रिया। हम अपनी कमानों के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत शायद कमानों से नहीं होने वाली थी। नायमान का जो भी मसला है, उसे गजन खान देख लेंगे। और अब जब तक वो लोग यहां से निकल नहीं जाते, एहतियाती तौर पर हम उनका पीछा करते रहेंगे। अब हमारा मसला नायमान नहीं है, अब हम सोचेंगे तो सिर्फ पहले की तरह फतूहात का, फतह का। सिपाहियों, रुकने वाले हम हर किस नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आप सब मेरे लिए मालूमात इकट्ठी करेंगे, हम एक एक करके इलाकों की फतूहात की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जरकुताए, जनाब गायवा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम वहां तहकीक करोगे और तमाम मालूमात से मुझे आगाह करोगे। जो हुकुम जनाब। आयकुत। जी जनाब। आकिसार को देखोगे? जो आपका हुकुम। शामिल, तैकूर पिनारकला तुम देखोगे? जो आपका हुकुम जनाब। भाई सुंगुर। जी हुकुम जनाब। गुरु जयसार तुम देखोगे? जैसा आपका हुकुम। गुरबुज। जनाब। गजल हिसार को तुम देखोगे? जो हुकुम जनाब। बनूर।
तुम कोपरे हिसार जाओगे। छोटी से छोटी खबर का भी मुझे इल्म होना चाहिए। जो हुकुम जनाब। दुर्गुत जी कहें। तुम्हें आराम हरगिज नहीं करने दूंगा मैं। हम तो सिर्फ मौत आने पर ही रुक सकते हैं। वो नकात बताओ जहां से फतूहात शुरू कर सकते हैं। आपने जो कुछ कहा वो हो जाएगा। हाँ शुक्रिया। रहान। जी जनाब। शहीद बैराम साहब के कबीले जाओ, जो चाहिए मुहैया करो उन्हें। जो हुकुम जनाब। सिपाहियों, अफ्तार से पहले तमाम मालूमात इकट्ठी हो जानी चाहिए। ये मालूमात फतूहात का दरवाजा है। चलो सिपाहियों। जैसे आपको हुक्म जनाब। सरदार। और हां बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मेरे बेटो, तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि हम आखिरकार यहां क्यों चले आए। देखो गौर से, ये आपके सामने अवदान की पहाड़ियां हैं। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो सीधा कोपरे हिसार पहुंचोगे, और अगर इस रास्ते पर चलोगे तो फिर गजल हिसार में कुफार तुम्हारे मुंतजिर होंगे। हमारे सिपाहियों के मुताबिक ये पहाड़ियां और ये वादियां हिसार और गलों से भरी हुई हैं। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं जनाब? रुकावटें नहीं, बहुत सी फतूहात बाकी हैं, ये कह रहे हैं सरदार। जब हम मस्कूरा कलों को फतह कर लेंगे तो इसने की जाने बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इसनिक फतह करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती भाई। मेरे बेटो, मैं एक रास्ता बताता हूं और तुम हजारों खोल देते हो। अरे माशाल्लाह, हमारी मंजिल और हमारा हदफ वाजे है। जब हमारे सिपाही मालूमात लेकर आएंगे तो उसी वक्त हम इंतखाब करेंगे अपने रास्ते का। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। हे शुक्रिया दिलेरो, आजा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबकि आप सब लोग यहां मौजूद हैं तो फराइज आपको सौंपे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे सिपाही, जीते रहो। अब बताओ जरा मुझे, कौन से कले और कौन से हिसार हमारी फतूहात के मुंतजिर है? आयकुर्द। जनाब। अकासार, इसके इर्द गिर्द तीरंदाज तैनात हैं। तो क्या यहां पर कोई कमजोर मकाम नहीं है? कोई कमजोर मकाम नहीं जनाब, हर तरफ हिफाजत में है। और उसके अलावा? वहां फतह मुश्किल है, और जनाब वो है भी बहुत दूर। मुमकिन है मुहासरे के दौरान काफिर पीछे से हमला कर देंगे जनाब। तो तुम यहां की बात कर रहे हो? बिल्कुल जनाब। चलो शुक्रिया। शामिल। जनाब। तैक्यूर पिनार किले की भी यही सूरत हाल है। बताओ क्या है।
अंदर के लोग हैं भी तरबियत याफ्ता। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है। जनाब, हमें मस्कूरा कलों को फतह करने के लिए पहले हमें गेहूसार हासिल करने की जरूरत है। सबसे पहले गेहूसार? हाँ, बताओ मुझे कैसे। ये जगह इसकी चाबी है जनाब, अगर हम इसे हासिल कर ले तो बाकी आसान हो जाएंगे। अलबत्ता यहां भी सूरत हाल वैसे ही है। वहां के सरबराह, क्या हुआ उनको? वो आवाम को डराते हैं, कहते हैं तुर्क जालिम है। ठीक है, शुक्रिया भाई संगोर। जनाब, वहां की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। वो लोगों से कहते हैं कि तुर्क जालिम है। गुरबस, तुम भी यही कुछ कहना चाहोगे? जनाब, गजल हिसार में भी यही सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वो कोनूर, अभी तक सूरत हाल से सिर्फ हमें कोनूर ने आगाह नहीं किया। बोरान जनाब, क्या वो आया नहीं अभी? वो जल्द ही वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, हमारे पहले पड़ाव का फैसला कोनूर की खबर पर मुनहसर है। वो जैसे ही आए उसे मेरे पास भेजो। जो आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, सरदारान और मैं आपकी दावत के शुक्रगुजार हैं। हमने मिलकर इस बिन बुलाए मेहमान नाइमान को शिकस्त से दोचार किया है। मैं जानती हूं कि सरदारान जानते हैं कि यह हमारी मुश्तरका काविश थी। बहुत शुक्रिया वालिदा सुल्तान, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी मदद हमारे साथ ना होती तो कभी ये फतह हासिल ना होती। खुश रहिए जनाब। मगर वालिदा सुल्तान, अगर इतनी मुश्किलात खड़ी ना करती तो ये इतना मुशक्कत वाला काम ना होता। इख्तिलाफ राय तो हमेशा ही रहता है, लेकिन हम इख्तिताम पर तवज्जो मरकूज करते हैं। फतह हमारी शराकत का तोहफा है। जलाली, ये तहाइफ मेरी तरफ से आपके लिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा तोहफा चचा और भतीजे के दरमियान सुलह कराना है। बाजू टूट जाए तो भी जिस्म का हिस्सा रहता है। मेरे और मेरे भतीजे के दरमियान मसला नहीं है कोई, ऐसा ही है ना अख्तेमोर? यकीनन ऐसे ही है चचा। हाँ ऐसा ही है। ए, शुक्रिया बेटा।
जलाली, उस्मान साहब, ये वो अजीम तलवार है जो सलजूक की रियासत फतूहात हासिल करने वाले कमांडरों को देती है। मिट्टी और चांदी से बनी है, इसका पिछला हिस्सा भी तेज है। यही उस्मान साहब की शायान शान है। तेज पिछला हिस्सा, उसके बरक्स लोग इनके पीठ में छुरा घोंपने में लगे हैं। उस्मान साहब के इंसाफ की तलवार ही उनके लिए काफी है। ऐसे तोहफे का क्या फायदा वालदा सुल्तान हजरत? उस्मान साहब को सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन अगर हम मुसलसल एक दूसरे से बहस करते रहे, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को भी नहीं। दुर्गत साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फतूहात सिर्फ और सिर्फ हमारे इत्तेहाद और हमारे रब की नुसरत का नतीजा होता है। दोगलेपन की वजह से सिर्फ दुश्मन को फायदा होता है। हम भी यही कह रहे हैं जनाब, चले सब मिलकर मुत्तहद हो जाएं। दोगलेपन की जरूरत नहीं। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। हमने सरदारान के साथ मिलकर एक फैसला किया है। ये क्या है, सुन रहा हूं मैं। हम सरहदी सरदारान के तौर पर अपनी महसूलात सलजूक रियासत को नहीं देंगे, आपको देना चाहते हैं। जब दुश्मन आता है तो आप मुकाबले के लिए निकलते हैं, फितने का भी आप मुकाबला करते हैं, कोनिया के मसाइल भी आपने हल किए, गद्दारों को भी आप रोक सकते हैं। मैं भी अपना महसूलात काई कबीले को पेश करना चाहता हूं उस्मान साहब। तमाम लोग और सरदारान अपना सोना उसे देना चाहते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, वालदा सुल्ताना हजरत। बुरा मत मानिएगा, हालात बदल रहे हैं, हमें भी बदलना है। सरदारान, मैंने बगैर किसी मदाखलत के अब तक आपकी बातें सुनी हैं, और अब मैं आप सबकी बगावत की हुदूद देखना चाहती हूं। होश में आ जाइए, वरना भारी कीमत चुकाएंगे। ओ वालिदा सुल्तान, अभी रुकिए जरा, सरदारान तो हकीकत से आगाह कर रहे हैं, इन्हें आप सुन तो लीजिए।